सकते हैं यार। धक्का मुक्की चल रहा, जनरल में ट्रेन पकड़ने के लिए चढ़े से चढ़े गई, पूरा का पूरा भीड़ है। देखो आप लोग वो स्पीकर है वो बजने वाला नहीं है, चॉकलेट है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेशन से ही। आज रात भर ट्रैवलिंग करते रहेंगे, वो चीज़ आपको सीन दिखाते रहेंगे, क्योंकि दो दिन से मैं डिस्टर्ब था तो ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़ा माइंड फ्री हो गए हैं, तो चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हमारा शाम में 6 बजे बरौनी जाने वाली ट्रेन आने वाला है, उसका टिकट हमने जनरल बुक करवा लिया, क्योंकि भाई साहब एसी उसी की बुक कराने के लिए पैसा नहीं था हमारे पास। फाइनली हमारा ट्रेन शाम में 6:30 बजे आ चुका है बरौनी स्पेशल। इतना भीड़ है ना जनरल में ट्रेन पकड़ने के लिए, चढ़े से चढ़े गई थी, पूरा का पूरा भीड़ है। देखो आप लोग, बाबा थोड़ा भी खाली नहीं है, अब क्या करें। ये देखिए उस साइड भी भीड़ है, इस साइड भी भीड़ है। ये जितने भी जा रहे हैं ना, सब काफ़ी सारे हमारे बिहार क्षेत्र से ही भरे हुए हैं सब। ऐसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ गए, इसके अंदर भी भीड़ है। देखो चलिए 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खाली बढ़ो, चलो अंदर अंदर चलो। अरे मुंह पे काहे रोकते हैं यार, ये धक्का मुक्की चल रहा है। अरे आ जा, अच्छा आराम से आराम से आराम से आराम से बढ़ो, आगे बढ़ो, निकले चढ़ गया, हो खड़ा हो गया, उड़ गए, आगे बढ़ नहीं सके, आगे बढ़ेगा तब। रिजर्वेशन नहीं कराते ना तो ऐसा ही हाल होता है हमें जाने के लिए। जनरल टिकट करवाने के बाद स्लीपर में भी घुस जाते हैं कभी कभी, एसी वाला में घुसेंगे तो वहाँ फाइन कट जाएगा पक्का। चलिए थोड़ा भीड़ कम है इसके अंदर में, आराम से सवेरे 3:50 में करीबन हाजीपुर में पहुँच जाएंगे आराम से। फिर वहाँ से फिर हमें 9 बजे पकड़ना होगा शाहपुर पटोरी के लिए, फिर शाहपुर पटोरी से अपना स्कूटी लेंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। अभी गेट पर खड़े होगा, अंदर बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी वाला माहौल है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का 4 बज रहा है। अब जाकर के हाजीपुर जंक्शन में पहुंचे हैं। तबीयत ऐसा लग रहा है ना कि बुखार जैसा लगा हुआ है, आवाज़ जो है नाक से निकल रही है। बड़े मुश्किल से सीट मिले थे तब जा कर के सो गए आराम से मस्त, वो भी सोने के लिए मिला था ऊपर वाला। एक भैया थे गोरखपुर तक ही, वो थे, वो उतर गए नीचे आराम से मस्त, और गलती से हम चले गए थे स्लीपर वाला में। स्लीपर वाला में जाने का मतलब ये था कि वहाँ समझिए कि फ़ाइन भी लग सकता था, लेकिन जनरल का टिकट था। लेकिन शुक्र ये है कि रात भर जो है टीटी साहब ने चेक नहीं किया, वैसे टिकट मैंने कटा रखा था, ऐसी बात नहीं है, तो आराम से मस्त हो गए। उसका कुछ नज़ारा रात का देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। अब ट्रेन आई थी गुजर गई, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और अभी हमें यहाँ से ऑटो पकड़ना होगा शाहपुर पटोरी के लिए, फिर शाहपुर पटोरी से होते हुए घर की ओर निकलते हैं मस्त। कुछ छुटकी के लिए खाने पीने का सामान खरीदते हैं, फिर उसके बाद घर जाने के बाद हमें 1 से 2 दिन के अंदर में फिर मुंबई जाने की तैयारी बनाना होगा। फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग कानपुर, हम निकलेंगे फिर कानपुर से, फिर होते हुए मुंबई निकल जाएंगे आराम से मस्त, और मस्त वाला बढ़िया बढ़िया ब्लॉगिंग करते रहेंगे, अपना रील भी शूट करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग से थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो घर चलते हैं। अभी इंस्टा रील से भी उतना नहीं आ पाता है जितना आना चाहिए, तो यही सब दिक्कत है, तो इसीलिए हम फटाफट शूट वगैरह था तो वो सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, तो अच्छे से वीडियोस बनाना है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि मेहनत मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे भी बुरा सा लग रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम में ही फंसा रह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। चलिए अभी ऑटो पकड़ते हैं, फिर ऑटो पकड़ने के बाद शाहपुर पटोरी निकलते हैं, अभी बाहर निकलते हैं स्टेशन से। रात के टाइम में दोस्तों ऐसे खाली रहता है स्टेशन तो बड़ा डर सा लगता है, भूत वाला सीन हो जाता है कि कहीं इधर जाएं कि ना जाएं। एक दो बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है,
बट चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हम ब्लॉगर रात में अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कहीं कहीं घूमेंगे नहीं, ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो आप लोग देखो कैसे, फिर यही सीन रहता है। लेकिन थोड़ा और डर लगता है भूतों से। ओह, और स्टेशन से बाहर निकलते ही बारिश का सीन, ये देखिए आप लोग, ये देखो भाई, देखिए जंदाहा के लिए टेम्पो तो मिल गया है, पर हमारे साबुर पटोरी के लिए मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। देखिए वो ऑटो लगा हुआ है वहाँ पे। चलिए भैया जी से पूछते हैं कि साहपुर पटोरी चलेंगे तो निकल जाएंगे हम। वाह बहुत अद्भुत, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दो दो ऑटो लगा हुआ है। नहीं नहीं पटोरी जाना है। साहपुर पटोरी के लिए कहाँ से मिलेगा गाड़ी? जंदाहा से मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे पटोरी। एगो कोई जाते थे ना, एगो कोई पेपर, एगो दुगो गाड़ी लेके कोई नहीं जाएगा, एगो दुगो सवारी लेके। एगो पेपर वाले भैया जाते थे ना, जाता है लेकिन वो बस में दे देता। चल अंदर, और ऑटो वाला भैया को जहाँ 50 रुपये किराया लेना चाहिए था वहाँ ले रहे वो 100 रुपया। और कहाँ तक के लिए? जंदाहा के लिए, हालांकि पटोरी तक जाना चाहिए। और साहपुर पटोरी के लिए जो है ऑटो सवेरे करीबन 3:30 बजे ही निकल गया यहाँ से, हम थोड़ा लेट हो गए। और थोड़ी देर में यानी 1 से 1.5 घंटे के अंदर पैसेंजर जाने वाली है जो 8 बजे करीबन साहपुर पटोरी पहुँचाएंगे, 9 बजे तक हम घर चले जाएँगे। तो क्यों 150 रुपये क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा दें हम, इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये ऑटो वाले लूटना बंद कब करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लेटे हुए हैं तो हम भी थोड़ा बैठ करके वेट कर लेते हैं लोकल ट्रेन का। तो गाइस फाइनली अपने साहपुर पटोरी स्टेशन पे आ चुके हैं, अब सीधे निकलते हैं घर के लिए, काफ़ी थके हुए हैं। थोड़ी सोचे सुहाने के लिए हम आम ले लेते हैं क्योंकि उसका फेवरेट है। मीठ होइ छै कि ना होइ छै हो? मीठ के देबे ना तो कहीं घर जेबे तो मम्मी बात सुनतिन फिर। अपने कच्चा आर दे दिए इन्ने से, तो वही जो स्कूटी हमारे स्टैंड पे लगा हुआ था तो निकाल लिए हैं। और आज कोई है भाई बहन का कोई त्यौहार है तो छुट्टी के लिए हमको चॉकलेट भी लेना होगा, बाकी उसको डिक्की में रख लेते हैं और सीधे घर के लिए निकलते हैं। लेकिन बारिश का मौसम इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे, 8 बज रहा, अभी 9 बजने वाला, अभी तक दोपहर होना चाहिए था लेकिन अभी ठंडा ठंडा मौसम है। दोस्तों जस्ट अभी हम घर पे पहुँचे हैं और हालात आपको हम बता दें कि बारिश होने की वजह से ये देखिए किस तरीके से सारा चीज़ बिखरा पड़ा है। और साथ ही साथ बारिश के दिन में गैस भी ख़त्म हो गया तो बड़ा मुश्किल से यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। देखिए जहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो यहाँ पे खाना बना रही थी सुहानी बैठ करके, देखिए इतना ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। देखिए अभी चावल बना है, खुश रहो खुश रहो खुश लो। वो स्पीकर है वो बजने वाला, नहीं ये चॉकलेट है। आज शायद भाई दूज है ना सुहानी, भाई दूज है शायद, भाई दूज
भाई बहन का त्यौहार है इसलिए हम चॉकलेट ला दिए, है ना। ये कैसा त्यौहार होता है, हम तो नहीं जानते। चलो कहाँ गए मम्मी, कहाँ गए? तो भाई फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। आज भाई बहन का दिवस है तो उसी अवसर पे जो है सुहानी के लिए आम वगैरह चॉकलेट वगैरह ला दिए थे मस्त। तो आज हम भूल जाते लेकिन जैसे तैसे अब नेट उट पे देखे स्टेटस वगैरह लगा हुआ तो छुटकी के लिए हम ले आए, लेकिन मन नहीं कर रहा था कुछ लेके आए। तो आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुलसपुर, आदित्य से देख रहे पूरा फुलसपुर, बगल में इंस्टाग्राम का डी जाकर के फॉलो कर लिया, निकाल कर मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।